नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसका यह भाग है तीसरा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है विलियम हार्वे, सी डी दुबे, जॉन डाल्टन या फिर डी ग्रीनरी मंडल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी डी दुबे द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, प्राकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर है यह दोस्तों, डार्विन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? या लाइकेन की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, यह लाइकेन की खोज की गई थी तुलास्की ने की थी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि ल्यूवेन हॉक द्वारा सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, यह पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेंसिलिन की खोज की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों, इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग्स एवं बेट्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गामा किरणों की खोज किसने की थी? गामा किरणों की खोज किसने की थी? दोस्तों, गामा किरणों की खोज की गई थी पॉट ब्लॉट द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर रैबीज के टीके की खोज किसने की थी? रैबीज के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों, यह खोज खोजा था लुईस पाश्चर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा खोजा गया था? ऑप्शन नंबर बी, लुईस पाश्चर के द्वारा रैबिस के टीके की खोज की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? दोस्तों, यह किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज की थी सीले एंड फ्री स्टीले ने। ठीक है, सीले और फ्री स्टीले द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? दोस्तों, यह गुरुत्वाकर्षण की खोज की गई थी न्यूटन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, यह कहाँ पर थ्रुवनंतरमपुरम में स्थित है। थ्रुवनंतरमपुरम में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, यह कहलाता है माइकोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। माइकोलॉजी को कवकों का अध्ययन कहते हैं, या कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर 15वां, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या? न्यूमिस्मैटिक सिक्कों के अध्ययन किया जाता है इस शाखा में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और
मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह है हैदराबाद के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, हैदराबाद। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायनोटिक्स कहाँ पर स्थित है? सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायनोटिक्स कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह भी कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है दोस्तों लीनियस को। किसको? लीनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर कोशिका का अध्ययन कहलाता है, या कोशिका का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, यानी कि साइकोलॉजी शाखा के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? दोस्तों यह किया गया था स्लाइडेंस एवं श्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।